बदर खिदमत और वो भी दुश्मन की। ताज्जुब की खिदमत तो औरत की फितरत है। हम भी एक बार जख्मी हुए थे, आपके नाजुक हाथों ने मरहम भी लगाया था, लेकिन उस वक्त आपके हाथों में ये लर्जिश न थी, आपके दिल में ये जज्बात न थे। शेरे खाना, जज्बात पैदा हो जाया करते हैं, किए नहीं जा सकते। आप? आयशा। आयशा नवाब कतलू खान की बेटी। आयशा बानो। हाँ कुमार। हम कहाँ हैं? नवाब कतलू खान के किले में। कैदी? शाही मेहमान। तुम्हारे साथी कहाँ है? आप ले जाइए। किस हाल में है? कुमार आप जख्मी हैं। हम उससे मिलना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ले चलिए आयशा बानो। क्यों? ये नाजुक हाथ एक दुश्मन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नहीं। शेरे खाना, ये हमारा नहीं, शाह खाना नवाब कतलू खान का इशारा है। जबान हमारी, अल्फाज उनकी। लेकिन लेकिन ये बेहोश है। होश में तो आप भी नहीं। तुझको पुकारे
कैसे मैं आऊं पिया पास तुम्हारी, चांद भी है तेरी मेरा पता ना बताए तेरा, राह ना दिखाए ये सितारे, कैसे मैं आऊं पिया पास तुम्हारे पास तुम्हारे। मौत की सरहद से तुमने हमें क्यों पुकारा? हमने आपको नहीं अपनी जिंदगी को पुकारा है पिता कहने के लिए। कुमार, जन जन्मांतर से हर स्त्री की यही प्रार्थना है कि उसका प्रीतम उसे डोली में लाए और अर्थी में छोड़ा है। तिलोत्मा की प्रार्थना पूरी होगी, जरूर पूरी होगी कुमार। हमारी प्रार्थना तो पूरी हो गई। सोचा था एक दिन तिलोत्तमा हमारी दुल्हन बनेगी और हम उनकी गोद में सरक कर सो जाएंगे। सोना तो आज भी है लेकिन जिंदगी की नींद नहीं, मौत की नींद। नहीं कुमार नहीं, हम इन लहू को अपना लहू पिला देंगे, हम इस चेहरे की धरती पर अपने होठों की सुर्खी बिखेर देंगे, हम तुमसे जुदा नहीं होंगे, कभी नहीं कुमार, कभी। ख्वाब, और किस कदर हसीन ख्वाब।